आपको बता दें, धारचूला में आज 2 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी है। क्षेत्र के घटखोला नाले में बाढ़ सुरक्षा के कार्य में लगी मशीनों के बहने से ठेकेदारों को लाखों का नुकसान हो गया है। साथ ही बारिश ने बाजार में अफरा तफरी मचा दी है। नगर पालिका की नालियों ने भी पूरा धमाल मचा दिया है। नगर पालिका की तैयारियों की पोल खुल गई है, जगह जगह मार्ग बंद है। तहसीलदार अबरार अहमद से आपदा की तैयारी के संबंध में जानकारी चाही तो वो कैमरे में बोलने से बचे। वही नंदा बिस्ट नेता कांग्रेस ने नगर पालिका को पूरा जिम्मेदार बताया है। बार बार सड़क के मलबे को हटाने की बात पर लापरवाही का नतीजा आज देखने को मिला। दूसरी तरफ नारायण सिंह बिस्ट ने अपना काफी नुकसान होना बताया है। थोड़ी सी बारिश ने काफी तबाही मचा दी है। बारिश आई थी, मैं संभलने का भी मौका नहीं दिया बारिश ने। सब लेबर बच गई, नहीं तो सब डूबने वाली थी। वो भी 2 वाइब्रेटर मशीन गई, करीब करीब एक की कीमत 20-22 हज़ार रुपया है। दोनों का लगा के करीब 44,000 रुपया ये खर्च हो गया। एक खत्म हुआ, 5-6 लाख की मशीन प्लेटें बह गई और 2.5 लाख की करीब मिक्सर मशीनें 2 बह। और इसमें मतलब आप लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला कुछ? मैम, संभलने का मौका बिल्कुल नहीं। अचानक पानी आया? हाँ, 2-1 मिनट के अंदर पूरा भार। तो अभी एक मिक्सर मशीन जो दबी है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं? उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी सर्किल प्लेट सब दब गई, पूरा सामान। काफ़ी नुकसान हो गया? काफ़ी नुकसान। धारचूला आपदाओं का दंश झेलता आ रहा है। पूर्व में कई लोगों की जान भी गई है। प्रशासन हर साल तैयारी में तो जोर देता है पर आपदा फिर भी आ ही जाती है। धरातल में एक JCB मशीन भी प्रशासन के पास नहीं है। समय रहते तैयारी होना आवश्यक है। आज से 8 दिन पहले फिर से यहाँ पर मलबा आया था और रोड पूरी ऐसे जाम लग गया था। उसके बावजूद जब हमने चेयरमैन को बोला और चेयरमैन के हस्बैंड से भी बोला, नगर पालिका में फोन किया, EO खुद यहाँ पे रहते हैं, उनसे जब हमने बात किया कि ये मलबा हटा दो, उनके द्वारा बिल्कुल भी अनसुना किया गया। उसके बावजूद कभी लेबर का हवाला दे रहे थे, कभी यहाँ पे मशीनों का, तो उसके बाद उन्होंने सफाई नहीं करा। आज फिर से दिन दहाड़े सभी लोग, वो तो अब शुक्र है कि लोग यहाँ से आवाज जाही नहीं करी बारिश तेज होने के नाते। तो यहाँ पे जब ऊपर घर बनता है तो हमने पहले भी बोला है जो घर बनाते हैं नाली में मिट्टी ना डालें। नगर पालिका की चेयरमैन ने उनके घर में जाके देखा भी है और नाला भी देखा है। उसके बावजूद जब वो वहाँ पे उनके घरों में नोटिस न जारी करती है, न उनको वार्निंग देती है और न उनको कहीं पे भी एक वार्न करना चाहिए पहले कि आप लोग नाली में मिट्टी न डालें, बरसात में ये खतरे का जड़ है। जब हम उनसे जितना जीत कर रहे हैं तो आज तक उनने क्यों नहीं सतर्क रहे, क्यों नहीं उनको नोटिस दिया, क्यों नहीं नाले में मिट्टी फेंकने से मना किया। पिथौरागढ़ से नदीम परवेज की रिपोर्ट।